अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिलों की जान हसन आलियान। तो जनाब आज है जुमातुल मुबारक और 2024 के रमजानुल मुबारक का जुमातुल विदा। अल्लाह ताला आज के दिन के सदके से हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमामीन। तो अभी जनाब टाइम हो रहा है जुमे का, तो चलते हैं जुमा पढ़ने। लेकिन उससे पहले भाई मैंने करनी है एक बात। माशाल्लाह 26% जो आवाम है जनाब वो बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देखकर चली जाती है। भाई जान खैर है तुहानू? नहीं बात ये, जब आप आते हैं देखते हैं तो भाई जान सब्सक्राइब करने में कोई देर नहीं लगती। हो सकता है आपको पता ही ना हो। अच्छा, मेरे चैनल का नाम होगा, उसके बिल्कुल सामने एक बटन होगा जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब। ओके, आपने उसको प्रेस कर देना तो फिर आ जाएगा सब्सक्राइब्ड। तो जनाब वहां पे मेरा काम भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि जब आप वीडियो देखते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करें। तो अभी चलते हैं जुमा पढ़ने। जनाब जुमा होने में रह गए सिर्फ 5 मिनट, ऊपर से है भी जुमातुल विदा और दिल करे जगह भी ना लब्बे। A few moments later. ये देखें जनाब, मैंने कहा था ना 12 नेरी होते इट थले, 12 नेरी ना भी आवे तो इट थले। तो जनाब जुमा जुमा पढ़ के हो गए हम फारिग और अभी हम जा रहे हैं बाजार। हम जा रहे हैं जनाब हसन भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने करनी है जनाब ईद की शॉपिंग। क्या लेना भाई जान आपने? लेना ये दोबारा बोले भी गुम हो गया, फिर बोले मैंने जूता लेना। जूता लेना जनाब, इनका निकाह हो चुका है 3 दफा बोलने से। तो जनाब हम आए हैं रेलवे रोड वाले बाजार जिसे छतरी चौक बाजार भी कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पे सारे जो है वो पठान बरादरी है और यहाँ पे जनाब आपको जूतियाँ शूतियाँ उसके अलावा वेस्टकोट वगैरह ऐनक वगैरह हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं और इसके रिलेटेड चीज़ें भी। भाईजान ये चेक करें वैरायटी, पठानों ने रेप्लिका बना बना के मत तुम्हारी पड़ी। ये चेक करें, एशिया कप रुल गया यहाँ पे भी, पैरों में रुलेगा आपके। बाकी ये खान साहब लड़ पड़े हैं कि यूट्यूब की कमाई जो है वो हलाल है कि हराम है। मुझे उन्होंने पूछा जनाब यूट्यूब बना रहे हो, मैंने कहा जी यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ। कहते हैं भाई जान आप हराम काम कर रहे हो। मैं कहते हैं भाई उसके बाद ये खुद बहस कर रहे हैं। यहाँ पे 3 बंदे और 3 में से 2 ये कह रहे हैं काम हलाल है, 1 बंदा कह रहे हैं नहीं हराम है क्योंकि डॉलर वैसे ही हराम है। अब उनको कौन बताए भाई जान डॉलर जो है वो करेंसी है, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। लाइक वो तो इस कॉन्टेस्ट में आएगा ना कि आप काम कर रहे हैं, अगर तो बाकी 2 नंबर काम कर रहे हैं फिर तो हराम है। लेकिन अगर आप जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या सिंपली जो है वो एक नॉर्मल चीज कर रहे हैं जिसमें कोई गलत चीज नहीं है तो यार वो हराम कैसे हो गया। तो जनाब पूरी मार्केट फिरने के बाद भाईजान को कोई चीज नहीं पसंद आई और भाई इस नतीजे में पहुंचे हैं कि वड्डा भरा अपनी शॉपिंग करने जाएगा ना लेदी भी कर ले आएगा। क्या बात है सर, क्या बात है, ऐसा महंगा पेट्रोल है भूख चढ़िया है, क्या बात है। ना वे तंग तंग गलियां चेक करें, नहीं यार मिली नहीं उसे या जूती का प्रोग्राम तोड़ गया। तो जनाब बाजार से हम आ चुके हैं वापस और माशाल्लाह उस हसन भाई की किस्मत भी इस हसन जैसी है। लाइक पूरा बाजार घूमने के बाद भी लभ्या कुछ भी नहीं, चुप करके वेले वापस आ गए। लेकिन कोई नहीं, अभी टाइम हो रहा है अफतारी का और देखते हैं जनाब के क्या सीन चल रहा है। और जनाब आज टैंक बनाएंगे हम खुद क्योंकि मेरा बनाता होता छोटा भाई, लेकिन आज वो जनाब सो रहा है तो आज ये ड्यूटी सर अंजाम दूंगा मैं। और इस तरह पतीली में बनाने का फायदा ये है कि आराम से जो है वो चीनी मिक्स हो जाती है। जनाब टैंकिंग बना के हो गए हम फारिग और अब आपको मिलते हैं अफतारी पे। तो जनाब आज भी अफतारी हमारी तकरीबन सिंपल ही है जिसमें हमारे पास है फ्राइज हैं, उसके बाद आ जाते हैं दही बल्ले, उसके बाद आते हैं जनाब ये पोटैटो स्लाइसेस, खजूरें हैं। मतलब आज भी हमारा मूड है तकरीबन बाद में खाना खाने का। लाइक हम ही कह रहे हैं कि थोड़ी सी रूटीन पे आ जाएं, आगे आगे जाके फिर खाना शाना भी तो खाना ना, क्योंकि सुबह सहरी के बाद सारा दिन भूखे होते हैं और शाम को जो है वो फ्राई चीज़ें खा के हम सो जाते हैं। तो हमने कहा थोड़ा सा जो अपनी सेहत पर भी ध्यान किया रहे तो इसीलिए सहरी अफतारी जो है वो बिल्कुल हम लाइट करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि खाना। 2000 years later. और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह 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 आज की इफ्तारी भी हो चुकी है डन
और हमें भी फिलहाल बुलावा है हमारे नेबर्स की तरफ से, उनका कुछ सामान वगैरह लाना है, आई थिंक सो पिज्जा शिज़ा लाना है जनाब, तो अभी फिर चलते हैं और लेके आते हैं। और ये जनाब सारा जनाब पास शेखुपुरा जो कि बेसिकली बाजार है, यहाँ पे हर तरह का ब्रांड आपको मिलेगा, चाहे कोई लेडीज हो चाहे कोई जेंट्स हो। और पार्क वगैरह यहाँ पे जो है वो दूसरे हैं, ये जनाब पार्क वो दूसरा घूमने वाला पार्क नहीं है, बेसिकली ये बाजार है। और ये है जनाब पिजारियों, पूरी जो वो शादी हॉल वाली एंट्रेंस की लुक दी हुई है। तो जनाब नीचे जो सारा ये फैमिली हॉल है, और हम जैसे छड़ों को ऊपर जाना पड़ेगा, चाहे हमने टेक अवे भी करना। आ जाओ अरमान भाई, आ जाओ आ जाओ। तो जनाब ऑर्डर हमारा हो चुका है, हमारा टेक अवे, और हमें 15 से 20 मिनट का टाइम दिया गया। उतनी देर जनाब आप इनसे मिले, 3 दिन हो गए व्लॉग में नहीं आए। वालेकुम। और अरमान भाई के जनाब आज 9th के पेपर खत्म हुए, भजन कैसा लग रहा है आपको? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये तो होगा कि जनाब एनवायरनमेंट चेक करें बस आप, क्या कूजी किस्म की लुक है, और साफ पता चल रहा है कि ये बंदा भी कहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ गया है। और जनाब ये पिज्जा वगैरह मिल चुका है, अब हम जा रहे हैं वापस। तो माशाल्लाह अली भाई लेके आंटी छोड़े होके जा रहे हैं जी, मैं जानते ही नहीं रुपा देना। और जनाब पिज्जा लेके हम आ चुके हैं घर वापस, मतलब जिनका था उनको दे के आए हैं। और अभी टाइम हो रहा है खाने का, हम खाते हैं खाना। और जनाब खाने में आप पराठे, क्योंकि इसके साथ है जनाब दाल माश। तो हमने कहा जनाब आधी रात को जब दाल माश पराठे और साथ चलेगा अचार। और जनाब ये है पूरा सीन, लाइक पराठे हैं उसके साथ है दाल माश, उसके साथ है अचार। क्या मतलब ना कम्बिनेशन है, सुबह टाइम खाएं तो शशका और रात टाइम खाएं तो मैं कहता हूँ क्या बात है चटखारा। उसके बाद जनाब ये चावल आए चनों वाले हमारे बहुत ही प्यारे हमसाए शाह जी, उनकी तरफ से। तो अभी खाते हैं चुपचाप खाना। और जनाब खाना शाना खा के भी हो चुके हैं हम फारिग, और यहीं पे करते हैं आज के व्लॉग को एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और दुआओं में रखिएगा याद, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।